जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी के बारे में देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो क्लास टू देखेंगे, जो भारतीय संविधान की भाग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, भारतीय संविधान की भाग से संबंधित विषय के बारे में और संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो महेश कुमार वर्णवाल का बुक, इस बुक का प्रयोग कर रहे हैं, इस बुक का जो ऑनलाइनर क्वेश्चन दिया गया है, तो सभी पार्ट बाई चैप्टर बाई चैप्टर प्रोवाइड हमारे यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। पहला कलम में जो भाग देखेंगे, इस रो में भाग को देखेंगे, दूसरा में विषय को देखेंगे और तीसरा उनसे संबंधित अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में व्याख्या किया गया है। तो भाग एक देखेंगे। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो द यूनियन इट ट्यूटोरियल बारे में जो आपका अनुच्छेद एक से चार के बीच वर्णन किया गया है। भाग टू जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच व्याख्या किया गया है भाग टू का। भाग थ्री जो मूल अधिकार है, भाग थ्री में जो मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट के बारे में जो भाग थ्री में बताया गया जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। भाग चार, भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या किया गया है DPSP का, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच व्याख्या किया गया है। भाग चार का क देखेंगे। भाग चार का क जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो भाग चार में है, जो 51 के क अनुच्छेद में जो भाग चार को जोड़ा गया है। भाग पाँच को संघ द यूनियन इन अनुच्छेद जो 52 से 151 के बीच व्याख्या किया गया है। भाग पाँच सबसे बड़ा भाग पूछा जाएगा तो भाग पाँच ही है जो सबसे बड़ा भाग माना जाता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच व्याख्या किया गया है। इसके बाद भाग छः देखेंगे। भाग छः में राज्य है द स्टेट, पाँच में संघ है केंद्र के बारे में, छः में आपको राज्य है जो स्टेट के बारे में, जो अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद के बीच है, जबकि वहीं केंद्र के बारे में या संघ के अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। भाग सात को निरस्त कर दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 368 था। आइए भाग आठ देखेंगे। भाग आठ में केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टिटोर को देखेंगे, जो 239 से 242 के बीच है। उस पहले भाग पाँच में देखे संघ, भाग छः में राज्य, उसके बाद सात निरस्त कर दिया गया, भाग आठ केंद्र शासित प्रदेश है। आइए भाग नौ देखेंगे। भाग नौ में पंचायत है, पंचायती, जो 243 से 243 के अड़ तक है। वहीं भाग नौ का ए या नौ का कस नगर पालिकाएँ हैं, जो अनुच्छेद 243 के त से 243 के य क्लाउज छः तक है। वहीं नौ का बी क्लाउज, भाग नौ के बी जो सहकारी समिति का व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के य क्लाउज यन से ज से 243 के य क्लाउज यन तक व्याख्या किया गया है। भाग 10 को देखेंगे। भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र का द शेड्यूल इन द ट्रेवल एरिया के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 244 से 244 के क तक है। भाग 11 जो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध के बारे में जो भाग 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट के बारे में जो 245 से 263 के बीच बताया गया है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में जो भाग 11 है, भाग 11 में 245 से 263 के बीच व्याख्या किया गया है। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदाय और विवाद के बारे में बताया गया है, जो 264 से 300 के ए अनुच्छेद तक व्याख्या किया गया है।
आपका भाग 13 देखें। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का व्याख्या जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में जो भाग 14 में बताया गया है अनुच्छेद 308 से 323 के बीच। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा दोनों को मिलकर जो सेवा प्रदान करता है वहीं भाग 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में जो 308 से 323 के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 14 का ए अधिकरण जो 323 के क से 323 के ख अनुच्छेद तक है। भाग 15 जो निर्वाचन इलेक्शन के बारे में जो अभी चुनाव चल रहा है जो इलेक्शन के बारे में जितना अनुच्छेद है आपको 324 से 329 के क्लाउज क तक मिलेगा जो निर्वाचन का व्याख्या जो भाग 15 में किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्गों के आंग्ल भारतीयों के संबंध में विषय उपबंध जो भाग 16 में व्याख्या किया गया है जो अनुच्छेद 330 ले 342 तक। भाग 17 में राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में व्याख्या किया गया है जो अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का व्याख्या किया गया है जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। भाषा के किसी भी भाषा की जानकारी प्राप्त करना है तो भाग 17 में जाएंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। भाग 18 आपातकाल आपात उपबंध के बारे में इमरजेंसी प्रोविजनल के बारे में जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। भाग 19 जो प्रकीर्णन जो 361 से 367 के बीच है। भाग 20 जो संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में किया गया है आपका 368 अनुच्छेद में। भाग 21 जो अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध के बारे में जो अनुच्छेद 359 से 92 के बीच है। भाग 22 और लास्ट भाग को देखेंगे जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकार पाठ एवं निरसन के बारे में जो भाग 22 में है जो 393 से 395 अनुच्छेद के बाद किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग महत्वपूर्ण भाग देखें तो आइए भाग को देख लेते हैं एक बार फिर से शॉर्ट में। जो एक में संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में व्याख्या किया गया है, दूसरा में नागरिकता है, तीसरा में मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट के बारे में, भाग 3 में है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPDSP के बारे में है, भाग 4 में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 5 संघ है सबसे बड़ा भाग भी 5 है जो संघ है द यूनियन, भाग 6 उसके बाद संघ केंद्र के बाद राज्य आ गए, राज्य के बाद द स्टेट भाग 6 में, भाग 7 को 17वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को, उसके बाद भाग 8 है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश है द यूनियन टेरिटोरियल है, उसके बाद भाग 9 तो भाग 5 में केंद्र 6 में राज्य 7 को निरस्त कर दिया गया 8 में केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार का 4 भाग हुआ। और 9 देखते हैं, 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं, 9 के ख में सहकारी समिति, इस प्रकार 3। 10वां देखते हैं अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग 10 में, वहीं भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध में बताता है रिलेशन बिटवीन इन द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में जो भाग 11 है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदाय और वादा के बारे में बताया गया है जो भाग 12 में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं संगम के बारे में। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट के बारे में भाग 14 में बताया गया है। भाग 14 के ये जो अधिकरण के बारे में, भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन के बारे में भाग 15 में व्याख्या किया गया है, भाग 16 जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों के आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भाग 16 में, भाग 17 में अपनी भाषाओं के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो भाग 17 में है, भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में है इमरजेंसी प्रोविजन, भाग 19 में जो प्रकीर्णन है, भाग 20 में जो संविधान संशोधन है, भाग 20 में संविधान संशोधन 368 के तहत
भाग 21 जो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में भाग 21 में है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्रकरण पाठ और निरसन के बारे में भाग 22 में है। संविधान भारतीय संविधान में भाग 11 का अध्ययन एक संघ एवं राज्यों के मध्य विधायिक संबंधों के दर्शाता है। इस प्रकार हम लोग भाग देख लिए सभी भाग। इसके बाद हम देख भारत के संविधान के अनुसूचियाँ अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।